केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही मची है। इसमें लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। सेना के खोजी कुत्ते भेजे गए हैं जो मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जो बेहद डरावनी हैं। इसरो के प्रमुख केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरों से केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन की भयानक तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों में वायनाड में हुए व्यापक क्षति और विनाश का खुलासा हुआ है। इनसे सामने आया है कि भूस्खलन में लगभग 86,000 वर्ग मीटर जमीन खिसक गई और परिणाम स्वरूप मलबा इरवंजीपुरा नदी के साथ लगभग 8 किलोमीटर तक बह गया। इस दौरान नदी ने अपने रास्ते में आने वाले शहरों और बस्तियों को तबाह कर दिया। रिपोर्ट में लिखा है वायनाड के चोलमाला शहर में और उसके आसपास भारी बारिश के कारण मलबे का एक बड़ा प्रवाह शुरू हो गया। हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए इंडियन आर्मी, NDRF और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। कीचड़ में लोगों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि बचाव अभियान अभी कुछ और दिन तक चलेगा। इस पर निगरानी रखने के लिए 4 मंत्रियों की एक टीम बनाई है। ये 4 मंत्री हादसे वाली जगह 24 घंटे मौजूद रहेंगे।